तो भाई अगर आप दिल्ली आते हो और प्लान करते हो कि हमें इंडिया गेट घूमने जाना है, तो इंडिया गेट जाने के लिए वहाँ का न्यूरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, यानी कि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो। अगर इंडिया गेट जाना है आपको तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन जाना है, और वहाँ जाके भाई बहुत सारे गेट हैं, 1 2 3 4 5 गेट हैं, तो इससे आपको गेट नंबर 3 से ही एग्जिट करना है। समझ में आ रहे हैं? आपको गेट नंबर 3 से ही एग्जिट करना है। तो आपको गेट नंबर 3 एग्जिट करने के बाद ही आपको कर्तव्य पथ दिख जाएगा। कर्तव्य पथ यानी इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो रोड बना हुआ है उसको हम कर्तव्य पथ कहते हैं। तो गेट नंबर 3 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से बाहर आने के बाद ही गेट नंबर 3 से आपको दिख जाएगा पास है। लेकिन अगर आप गेट नंबर 1 2 पे जाओगे तो भाई इधर उधर बस घूमने लगोगे। ये बताना था तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, ए वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो यारो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई अभी मैं शाम को यहाँ घूमने आया था। कहाँ आया हूँ दिखाता हूँ, इंडिया गेट शाम को आया था क्योंकि मैं रूम में अकेला ही था तो बोर हो रहा था, तो सोचा कि चलो घूम के आते हैं इंडिया गेट। तो अभी शाम में आया था एक बार, पर वो डे के टाइम में था। शाम का नज़ारा कैसा होता है, लाइटिंग वाइटिंग वो सब इतना देखा नहीं था, तो सोचा कि चलो चलते हैं, अभी शाम को घूम के आते हैं। तो अभी शाम को आया हूँ और घर घर जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। क्या करूँ भाई, तत्काल में टिकट नहीं मिल रहा है तो कैंसिल। देखते हैं टिकट मिले तो जाएंगे, ना मिले तो दिल्ली घूमेंगे। तो अभी आपको मैं थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, शाम का नज़ारा कुछ कैसा दिखता है इंडिया गेट में। ठीक है, फिर सामने सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू, कुछ फोटो खिंचा रहे हैं। ये है अपना इंडिया गेट ट्राई कलर में। तो भाई यहाँ पे इसका मैप दे रखा है, ये देखो, ये रहा इंडिया गेट और ये रहा कर्तव्य पथ, है ना। अगर आप इंडिया गेट से कर्तव्य पथ में डायरेक्ट जाओगे तो आपको सामने ये देखो राष्ट्रपति भवन देखने को मिल जाएगा। इंडिया गेट के पूरा सामने डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन, और यहाँ पे एक हिस्ट्री दिया हुआ है क्या कैसे हुआ था। 12 दिसंबर का दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित किया गया, उसके बाद ये सब बनाया गया, इधर दे रखा है। यहाँ पे देखो दीवार पे इस इंडिया गेट के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल जाएंगे, यहाँ पे उसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में और उसका अभी कैसे उसका काम चल रहा है उसके बारे में। काम चल रहा था बस वही है, और अभी मैं जा रहा हूँ, इधर घूम लिया थोड़ा बहुत, तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे, मेट्रो पकड़ के फिर जाऊँगा। ये देखो, ये अभी ये देखो इसका वीडियो आपने देखा है, यहाँ पे जो पानी गिर रहा था और लाइटिंग भी हो रहा था। तो भाई ये देखो, ये रहा इंडिया गेट, कर्तव्य पथ सामने डायरेक्ट राष्ट्रपति भवन। और आप यहाँ ये जो इधर देखो झिलमिल कर रहे हैं छोटे छोटे बाइक हैं। अब ये बाइक यहाँ पे शायद 50 रुपया लेता है 2 3 राउंड के लिए, और चलाना चाहो इधर से उधर। देखो
ऐसे ये छोटी छोटी बाइकें हैं, इधर मिल जाएंगे आप रेंट लेके इधर चला सकते हो इस करते हुए पथ में। ये है नया भारत, तो भाई अभी वीडियो 7 दिन बाद 10 दिन बाद ऐसा आ रहा है ना, तो भाई वो जब रोज बनाते हो वीडियो, रोज यानी कि मतलब रेगुलर, तो भाई वीडियो बनाने का वो एक रिदिम रहता है, पर जब आप 7 दिन 10 दिन से गैप करते हो तो वीडियो बनाने में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है ना। अगर आप गैप कर देते हो तो आपका वो कंटिन्यूसली वाला रिदिम नहीं रहता, तो वैसा ही हो रहा है मेरे साथ भी। मैं भी भाई क्या करूँ, मेरा घर जाने का प्लान हो रहा है फिर कैंसिल हो रहा है, मतलब टिकट हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो इस चक्कर में मैं मतलब कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ प्लान कर नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। तो पर कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आज के इस वीडियो बस इतना ही, अभी मैं घर पहुँचा हूँ तो अभी ऑमलेट बनाऊँगा, चावल पावल है बस गर्म करूँगा, ऑमलेट बनाऊँगा, खाऊँगा, सो जाऊँगा। तो गुड नाइट।